मेरा सवाल सिंपल ये है, ऑक्सीटोसिन बनाई थी कि गांवों में डिलीवरी में प्रॉब्लम हो, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से डिलीवरी क्विक हो जाती है। मेरे देश में आलम यह है कि एक इंजेक्शन तो लगता है स्त्रियों को, 85 लाख लगते हैं भैंसों को। भगवान ने हमको इतना बुद्धिमान पैदा किया है कि हमने वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन वेजिटेबल्स में भी लगाना शुरू कर दिया, घिया में लगा दिया, तोरी में लगा दिया, पपीते में भी लगा दिया। ये ग्रोथ हार्मोन की तरह यूज़ हो रहा है, रातों रात लौकी तोरी पपीते का साइज डबल हो जाता है। मैं कैंसर पे एक लेक्चर दे रहा था, लड़कियां आईं, लेक्चर के बाद पूछा, अंकल जी हम जब आपस में बैठती हैं बात करती हैं कि हमारी उम्र तो है नहीं, फिर हमें माहवारी क्यों हो रही है। मुझे ये सुन के बहुत शौक लगा, रात भर मैं सो नहीं पाया, सुबह से मैंने ये कैंपेन चालू किया है ऑक्सीटोसिन को बंद कराने का। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी ऑक्सीटोसिन का प्रयोग दूध के लिए या सब्जी के लिए नहीं होता। इसके बाद मैं गया आरएस सोंधी सीएमडी अमूल के पास, मैंने उनसे पूछा, सर आप किस प्रकार का दूध सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, शर्मा जी आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के पास गया, उन्होंने जवाब दिया, शर्मा जी ऑक्सीटोसिन तो लव हार्मोन है। मैंने कहा मैं 75 साल का हूँ, मुझे अब तुम लव हार्मोन पढ़ाओगे। इसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति जो भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, उनके पास गया कि मैडम जी ये हमारे समाज में क्या हो रहा है। उन्होंने जवाब दिया, शर्मा जी हम जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। कब करोगे भाई, जब हम मर जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया में किसी भी देश में ऑक्सीटोसिन का प्रयोग दूध निकालने के लिए नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन कहीं भी वेजिटेबल में नहीं लगाया जाता। आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, एमडीआर टीबी बैक्टीरिया बम्बई के माहिम में मिला। एमडीआर का मतलब है मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट, जिस पर कोई दवा काम नहीं करती है। इतनी बड़ी दुनिया है, उसे और कहीं जगह नहीं मिली, हमारे देश में ही जगह मिली, क्योंकि हमारी व्यवस्था बहुत लचर है। पेट में दर्द हो गया, केमिस्ट के पास पहुँच गए, भैया एक गोली दे देना। पूरी दुनिया में आप इस तरह केमिस्ट से गोली नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, केमिस्ट को जेल हो जाए। जागरण करने में लगा हुआ हूँ, मैंने 20,000 छपवाए हैं, बड़ा कार्ड बनवाया है, और मैं पूरे में जाता हूँ मेट्रो से और लोगों को जागरूक करने में। जब हम तक पूरे नहीं जुड़ेंगे, इसकी आने वाली समय में भयंकर समस्या होने वाली है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है। मेरे परिवार में मेरी भाई की लड़की स्वर्ग सिद्धार्थी ब्रेस्ट कैंसर से, मेरी भाभी और उस एरिया में 6 स्त्रियाँ और स्वर्ग सिद्धार्थी। मैं चाहता हूँ इस पर कोई स्ट्रॉन्ग मिले। जब दुनिया में किसी भी देश में ये अलाउड नहीं है, तो हमारे देश में क्यों अलाउड।